जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। हुआ यूं, हमारे बाबा टूर पे हमें छोड़ के चले गए थे। अब वो वहाँ से सारा ब्लॉग बना के आए, वो बोलने मैं ब्लॉग डालूंगा अब यूट्यूब पर। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम आए नहीं वीडियो में, इसलिए मैंने सोचा वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम आपको दिखाएंगे 40 डेज क्या करके आए बाबा टूर पर। अब आप देखिएगा बाबा ने अपने फ्रेंड के साथ कितने मजे किए। अब आप देखेंगे सारे बाबा के ब्लॉग्स, लेकिन मैं भी बीच बीच में आता ही रहूँगा। रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान खान है और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं कराची से स्कर्दू और इंशाल्लाह हमारी जर्नी जो होगी वो लास्ट स्टॉप स्कर्दू ही है, तो बीच में रुक के रुकाते जाएंगे इंशाल्लाह। रास्ते में जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम रुकेंगे रास्ते के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे आपको। तो फिर तो निकलते हैं कराची से इंशाल्लाह, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे कोई ब्लॉग बनाता है, बाबा को तो फोन भी पकड़ना नहीं आता, लगता है ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अब आप इसी से ही काम चलाएं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, सॉरी बाबा को सिखाता हूँ। अच्छा जी, हम अभी हमने एक दोस्त को लेने इधर मेहमान आए थे, मेहमान से उनको हमने लेके उनके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी टाइम हुआ है 10:15 बजे, हम मेहमान से निकल रहे हैं और यहाँ से इंशाल्लाह हम हाईवे से अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। कैसा रहा आज अभी तक का सफ़र आप लोगों का? बहुत अच्छा माशाल्लाह से, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सफ़र था। नावेद भाई आप बताएं। ज़बरदस्त रहा, बेहतरीन, अपने टाइम से पहले पहुंच गए हम लोग मोटरवे पे। हेलो भाई, हाँ साहब, ड्राइवर साहब हमारे गाड़ी के साथ में बैठा सकते, सेटिंग में लगे पड़े। बाबा खाना खा के सो गए, आधा ब्लॉग को भूल ही गए वो। पता है ऐसे कौन ब्लॉग बनाता है? मुझे पता है मेरे आने से आपको मजा आ रहा है ना, बाबा का ब्लॉग का मेरा ज्यादा होगा। अब देखेंगे बाबा का सुबह का ब्लॉग, तब के लिए मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। ओके बाय बाय। वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं?
पर रात में लास्ट वाली वीडियो नहीं बना सके क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गए थे, जिसकी वजह से थक गए थे सारे, तो खाना वाना खा के हम सो गए थे। अभी हम मुल्तान से पहले और शुजाबाद के दरमियान में एक जगह है सिकंदराबाद, वहाँ पे दोस्त के एक फार्म में आए हुए हैं। ये उसका फार्म है माशाल्लाह से, तो यहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हो के अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। ये फार्म है, मैं एक ज़रा नज़र आपको दिखा दूँ, सामने जानवर वगैरह भी बने हुए हैं पाले में इन लोगों ने। यहाँ पे इस तरफ ट्यूबवेल लगा हुआ है, बहुत अच्छी जगह है, मज़ेदार जगह है माशाल्लाह। ये यहाँ पे घूम रही हैं, छोटा सा काउ का बच्चा, क्या देख रहे हो भाई? गरीब की आवाज़ों का टाइम हो गया। मगरिब का टाइम हो गया और बहुत सुकून है इस जगह पे, चारों तरफ हरियाली। रात के खाने की तैयारी है और ये कढ़ाई बन रही है जनाब, लकड़ी की आग के ऊपर ज़बरदस्त खुशबू। कढ़ाई देख के मुंह में पानी आ गया ना, मेरे भी पानी आ गया था मुंह में। ये था बाबा के तुअर का पार्ट 1, आप इस पे बहुत सारे लाइक करें, फिर हम लाएंगे पार्ट 2 के लिए। हमें इजाजत दें, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारे ख्याल रखें।